नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो इन दोनों कुत्तों और मच्छरों के आतंक से बेहाल हो रखा है। आलम यह है कि बढ़ते डेंगू के मामले और कुत्तों के काटने से बढ़ती लोगों की मौतों से आवाम दहशत में आ गई है। तो वहीं अब जब भारत से भी उसके रिश्ते नासाज चल रहे हैं, तो ऐसे में मदद के लिए तुर्की के सामने हाथ फैला रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब मच्छरों कुत्तों ने मचाया आतंक, तब दहशत में आया पाकिस्तान, टेंशन में आई इमरान सरकार। इन दिनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आवारा कुत्तों और मच्छरों ने कोहराम मचा रखा है। आलम यह है कि पाकिस्तानी रात को अकेले घरों से निकलने में परहेज करने लगे हैं। पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट की माने तो मुल्क में मच्छरों के काटने के मामले में भारी इजाफा हुआ है, और आलम यह है कि सरकार की नाकामी के चलते रेबीज संक्रमण से करीब 12 लोगों की मौत हो गई है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि कराची में एक कुत्ते ने 25 लोगों को काट लिया। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य घटना माना, लेकिन मंगलवार की सुबह उस कुत्ते के मृत पाए जाने पर हड़कंप मच गया। रेबीज का संक्रमण पाकिस्तान में चरम पर है, और साथ ही साथ डेंगू ने भी सरकार के नाक में दम कर रखा है। 50,000 से भी ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद से सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। और अगर आंकड़ों पर जाएं तो अब तक देश में करीब 250 लोग डेंगू के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसे देख इमरान सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मोदी को बुरा भला बोलना इमरान को पड़ा महंगा। इमरान की हुई कोड में खाज जैसी स्थिति, अब क्या करेगी बेबस इमरान सरकार। भले ही दुनिया के सामने इमरान सरकार मुल्क में सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रही हो, लेकिन असल में आवाम की हालत बद से बदतर हो रखी है। आवारा कुत्तों का खौफ, रेबीज का बढ़ता संक्रमण और ऊपर से डेंगू का कहर, सरकार के साथ साथ मुल्क की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। वहीं भारत से भी पाकिस्तान के रिश्ते नासाज चल रहे हैं, और दोनों मुल्कों की दोस्ती पर जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। व्यापारिक रिश्तों पर लगे फुल स्टॉप के चलते पाकिस्तानियों को भारत की तरफ से मिल रहे मेडिकल वीजा में भी भारी कमी आई है, जो कि पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाएं, सांप और कुत्तों के जहर से बचाने वाली वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं होती, इसलिए ये दवाएं पाकिस्तान भारत से इम्पोर्ट करता आया है। लेकिन अब जो कि व्यापारिक रिश्ते बहाल नहीं हो पाए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य प्रशासन दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। इन हालातों में इमरान सरकार ने अब तुर्की का रुख करने का फैसला किया है। बेहाल पाक को आई तुर्की की याद, अब तुर्की के सामने फैलाएगा हाथ। अब जो कि पाकिस्तानियों को भारतीय वीजा मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, ऐसे में अब इमरान सरकार तुर्की का रुख करेगी। जल्द ही तुर्की के राष्ट्रपति पाक दौरे पर आने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य वीजा पर समझौता हो सकता है, जिसके चलते अब तक स्वास्थ्य संबंधित जो मदद पाकिस्तान को भारत से मिलती आई है वो तुर्की से मिलेगी। या फिर यूं कहें कि अब तक पाकिस्तान अपने हितों को साधने के लिए चीन के सामने हाथ फैलाता आया है, और अब इस कड़ी में तुर्की भी जुड़ चुका है, जो कि कश्मीर मसले पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ऐसे में अब पाकिस्तान ने अपनी जरूरतों के लिए तुर्की को साधने की कवायद शुरू कर दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाई और बहनों, हरियाणा के गांव अगर आगे ना आते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इतना व्यापक न होता, इतना प्रभावी न होता, इतना परिणामकारी न होता। और मेरा हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है, मारी छोरी के छोरों से कम है यह आवाज,
हरियाणा के गांव से निकली है। ऐसी आवाज जब आंदोलन बनती है तभी दुनिया कहने को मजबूर होती है कि वाकई हिंदुस्तान की बेटियां धाकड़ है धाकड़। और ये धाक आज दुनिया के मंचों पर दिख रही है, दुनिया अनुभव भी कर रही है। साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस भावना को हमें अब एक कदम आगे लेकर जाना है। हरियाणा की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने कौशल का लोहा मनवा रही है। ये दीपावली बुराई पर अच्छाई के शाश्वत प्रतीक के साथ साथ भाजपा की विजय का भी जश्न हम सभी मनाने वाले हैं। इस बार दो दो दिवाली आई हमारे लिए, एक कमल वाली दिवाली तो दूसरी दिए वाली दिवाली। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये दिवाली हमारी बेटियों के नाम होनी चाहिए। जो बेटियां लक्ष्मी बनकर हमारे परिवार हमारे समाज हमारे देश को गौरव दे रही हैं उनकी उपलब्धियों का पूजन जरूर होना चाहिए। भाइयों और बहनों, देश की बेटियों की हमारी बहनों का स्वास्थ्य स्वाभिमान सुरक्षा और सशक्तिकरण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। स्वच्छ भारत अभियान से घर घर और हर स्कूल में शौचालय बनने से बहनों को सुविधा भी मिली है और उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ा है। उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति भी मिली है और गैस पर खाना पकाने से समय की भी बचत हुई है। हरियाणा में तो मैं खुद गवाह रहा हूं कि कैसे केरोसिन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, अब उन लाइनों से भी हमारे हरियाणा के लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। मातृत्व काल में सरकार में काम करने वाली कंपनियों में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें मातृत्व काल में अब 6000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता इन सभी गरीब माताओं के खाते में जमा हो रही है, ताकि गर्भावस्था में वो अच्छा खाना खा सके पोषक आहार ले सके, होने वाली मां का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और होने वाले संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसकी चिंता भी ये सरकार कर रही है। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच भी हो रही है। इतना ही नहीं, माता बनने के बाद जब मां खुशियों से भरे हुई होती हैं तो हमारी सरकार ने तय किया कि जो सरकार में काम कर रही हमारी माताएं बहनें हैं, शिक्षक हो नर्स हो पुलिस में हो कहीं पर भी हो, मां बनने की खुशियां वो जी भर के अपने बच्चे के साथ बिता सके, इसलिए हमने नौकरी में 6 महीने तक की तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का निर्णय कर लिया, ताकि पहले 6 महीने वो मां संतान के साथ जी भर के जिए और संतान का भी सही विकास का काम शुरू हो जाए। भाइयों और बहनों, बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार के लिए भी अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बजट में एक अहम घोषणा की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें, स्व सहाय जो हमारी माताएं बहनें, गरीब माताएं बहनें जो 11 बहनें, 15 बहनें, 21 बहनें इकट्ठी होती हैं, ऐसी बहनें अपने जनधन बैंक खाते से अपनी बचत के अलावा भी 5,000 रुपये अपनी जरूरत के लिए बैंक से उधार ले सकेगी। अब किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको अपना गहना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और घर में भी वो सम्मान के साथ जी सकेगी।